हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली रज़ा और आप देख रहे हैं अली रज़ा एंड व्लॉग्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और नाज़रीन, आपके सामने लेकर आया हूं एक नया व्लॉग। आज का नाज़रीन व्लॉग ये है कि आज मैंने काम छोड़ा है हमने, और अभी हम काम वगैरह छोड़ रहे हैं और छुट्टी हो गई है काम से, और अभी हम जा रहे हैं खाना वगैरह खाने। अभी देखते हैं कोई अच्छा सारा रेस्टोरेंट। नॉर्मली हम फ्लेवर्स जाते हैं, तो आज दिल ये है कि बाटले की तरफ चलते हैं और वहाँ पर कुछ खाना वगैरह खाते हैं। और मेरे साथ हैं चौधरी हनीफ साहब, अस्सलाम वालेकुम, और हम दोनों एक साथ ही काम करते हैं और अभी खाना वगैरह खाने जा रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। हम वेयर हाउस में काम करते हैं ओसट में, और ड्यूसबरी जाने के लिए तकरीबन हमको 10 से 15 मिनट लग जाते हैं, दिन को कभी कभार 20 मिनट भी लग जाते हैं, और रात को हम 2:30 बजे शुरू करते हैं और 11 बजे ख़त्म करते हैं। 2:30 बजे जाने के लिए हमको तकरीबन 10 मिनट लगते हैं, क्योंकि ट्रैफिक वगैरह नहीं होती, तो दिन को ट्रैफिक ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से हमको तकरीबन 20 मिनट से आधा घंटा भी लग जाते हैं। तो अभी हम आ गए तकरीबन ड्यूसबरी में, और यहाँ से ब्रफ और रोज से जाना है बाटले जी। अभी यहाँ पर बाटले में आ गए हैं और यहाँ पर गाड़ी पार्क की है। ये इधर काफ़ी अच्छी स्पेस है, यहाँ पर 2 घंटे के लिए फ्री होगी और 2 घंटे के बाद गाड़ी मूव करनी पड़ेगी। और आपको यहाँ पर एड्रेस भी इनका बता देते हैं, ये इनका रहा एड्रेस, अगर आपने क्रॉस स्ट्रीट कार पार्क, यहाँ पर अगर आपने कार पार्क करनी हो तो 2 घंटे के लिए फ्री है। ये सारा बाटले टोन है, और यहाँ पर सारी ये टोर लैंड स्ट्रीट सारी खाने पीने वाली है। और यहाँ पर अभी हम आ गए हैं और खाना वगैरह खाएंगे, फिर ड्यूसबरी जाना है, ड्यूसबरी से मार्केटें वगैरह और फिर शॉपिंग वगैरह करनी है, तो फिर घर। आज सैटरडे का दिन है, तो एक और दोस्त की यहाँ पर करनी है वेट, तो वो भी आएगा, तो फिर एक साथ ही खाना वगैरह खाएंगे। तो कुछ सीन ये हैं, ये सारा बाटले टोन है, और मेरे इस तरफ टेस्को है शॉपिंग, टेस्को एक्स्ट्रा शॉपिंग सेंटर है, काफ़ी बड़ा है यहाँ पर इस एरिया में। और यहाँ पर जलातो है, आइस स्टोन जलातो, लेकिन फ़िलहाल अभी बंद है, शाम के टाइम 12 बजे से बाद खुलेगी। हम सोच रहे हैं चलते हैं जर्मन दोनों कबाब या फ्रेंकी, नहीं चिकानोस, जर्मन दोनों कबाब पहले काफ़ी अच्छा था जब ये लॉन्च हुए थे लास्ट ईयर। अभी अगर यहाँ पर इतना मज़ा नहीं आता, कबाब वगैरह भी इन्होंने छोटे कर दिए हैं, और अगर सोसे वगैरह लेनी हो तो वो भी पैसे देने पड़ते हैं, तो फिर बाय करनी पड़ती हैं, इतना मज़ा नहीं आता। और जो कि स्मॉल था, जो लार्ज था उससे स्मॉल कर दिए, और स्मॉल को और थोड़ा कर दिए। तो अभी यहाँ पर चिकानों में चलते हैं, और चिकानों खुली थी 2011 में, ये रही चिकानोस, और चिकानों के साथ ही ये जर्मन दोनों कबाब। और यहाँ पर आगे सारे इस तरह मॉल भी हैं, और आगे शॉपिंग सेंटर काफ़ी है, थोड़ा छोटा, लेकिन सब कुछ यहाँ से मिल जाते हैं, एक दो बैंक भी हैं। और आगे जाएं तो आगे चाय वाला, चाय पानी, नींबू पानी काफ़ी नाम है। और यहाँ पर इस तरफ ये रही टेस्को स्टोर इंटरेस्ट, ये ऊपर से, और आज मौसम काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी दिनों के बाद ऐसा मौसम आया। नॉर्मली तो यहाँ पर होते हैं वो मैनस पर रहते हैं ज़्यादा मौसम, तो आज काफ़ी अच्छा है, प्यारी सी धूप दी है,
तो अभी चलते हैं चिकानो में और वहाँ से कुछ बर्गर वगैरह ऑर्डर करते हैं, तो आपको बताते हैं कौन सा अच्छा। वेलकम टू बैक। अभी ये दोस्त आ गए हैं, ये भी हमारे साथ ही काम करते हैं और अभी हम जा रहे हैं चिकानोस, यहाँ से कुछ ऑर्डर वगैरह करते हैं और खाने के लिए। वेलकम टू बैक। अभी यहाँ से खाना वगैरह खा लिए और अभी जाने लगे हैं लीडल, और वहाँ से कुछ शॉपिंग वगैरह करनी है, तो फिर शॉपिंग वगैरह कर फिर घर। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। चलो जी, यहाँ से अभी गाड़ी लेते हैं और गाड़ी लेकर फिर चलते हैं लीडल शॉपिंग करने। वेलकम टू बैक। अभी हमारे पास कोइन नहीं था तो हम ये चाबी यूज़ करने लगे हैं और चाबी यहाँ पर डाली और ये खुल गई, ये हमने रेडी निकाल ली है। हमारे पास एक पौंड नहीं है, दो पौंड नहीं था तो हमने चाबी यूज़ की है, और जब वापसी पर यहाँ पर पार्क करेंगे तो यहाँ से चाबी निकाल लेंगे। अभी हम आ गए हैं लीडर में, यहाँ से पानी वगैरह और घर की कुछ शॉपिंग वगैरह करनी है, तो कुछ ये है यहाँ से पानी वगैरह लेते हैं। पानी यहाँ से ख़त्म हो गया। अभी लिडल से शॉपिंग वगैरह कर ली है तो अभी जाने लगे हैं घर की तरफ। पहले घर में रखते हैं सौदा वगैरह और फिर चलते हैं घर की तरफ। अभी हमने शॉपिंग वगैरह कर ली है तो अभी यहाँ पर ये ट्रॉली वापस लगाने लगा हूँ और यहाँ से अपनी चाबी निकालने लगा हूँ। ये मैंने ट्रॉली लगा दी है और ये रही मेरी चाबी, नीचे गिर गई है। यहाँ पर यहाँ एक पौंड डालना पड़ना था, या चाबी भी ऐसे कुछ इस तरह से, अगर चाबी आपकी हो तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो आज का व्लॉग यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो चैनल की सपोर्ट के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। चलो जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।